नमस्कार, न्यूज क्लिक आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर दिल्ली भर से अलग अलग ट्रेड यूनियंस, छात्र संगठन और महिला संगठन के लोग पहुंचे थे और इन्होंने प्रदर्शन किया। जिस तरह से 28 मई को जिस तरह की घटना पहलवानों के साथ हुई और बर्बर पुलिस से हमला देखने को मिला और पहलवानों के साथ साथ उनके समर्थकों को जिस तरह से डिटेन किया गया और दिल्ली की सीमाओं को जिस तरह से सील किया गया, इन सारी घटनाओं के बाद और जिस तरह से पहलवान इसके बाद टूटे और वो अपनी मेडल बहाने के लिए गंगा तक पहुँच गए थे, हालांकि किसान संगठनों और खाप पंचायतों को मनाने के बाद वापस आ गए और खाप पंचायतों ने उनसे 5 दिन का समय मांगा था। 5 दिन के समय में उनका कहना है जो सरकार से वो लोग बात करेंगे, सरकार नहीं मानती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जो समन्वय कमेटी है उसने आज 1 जून को देश भर में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। उसी के तहत आज दिल्ली में भी ये प्रदर्शन हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में महिला और मजदूर संगठन के लोग पहुँचे, उनसे हमने बात की और समझने का कोशिश की जो ये सारी परिस्थितियाँ आज के समय में हैं उसको वो लोग कैसे देखते हैं, सरकार अगर आगे भी अपने इसी रुख पर अड़ी रहती है तो आगे का रास्ता उनका क्या होगा। और अपने यहाँ तो एक नाटक करता है, ये सबसे बड़ा नाटक करता है, तो वो सिंगल आगे रखकर पूरा साष्टांग नमस्कार किया, जबकि ये महिलाएं बाहर चिल्ला रही थी। देखिए, जिस तरीके से 28 मई को जिस तरह का पुलिस का ब्रुटैलिटी हम लोग को दिल्ली को देखने को मिला, वो निश्चित ही हमारे देश के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। और पूरे देश भर के अंदर ये गुस्सा है लोगों के अंदर कि सेक्सुअल वायलेंस जैसे गंभीर अपराध को लेकर के किसी भी तरह की कोई कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं दिखती है। ब्रजभूषण जैसा इंसान अभी भी खुलेआम घूम रहा है और इसको लेकर के लोगों के अंदर गुस्सा है, और जिसलिए आज सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में अलग अलग जगह तमाम तरह के किसान संगठन, मजदूर संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन मिल करके प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मेडल लौटाने की घटना या मेडल पानी में बहाने की घटना इस दुनिया के इतिहास में कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी एक प्लेयर ने ये काम किया था जब काले होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया था। और हम लोग जानते हैं कि आज जब हमारे महिला पहलवानों को जो मेडल उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, अपने देश के लिए जीता था, तो ये सवाल हमारे देश की सरकार से है, ये सवाल हमारे देश से है कि हमारे देश के खिलाड़ियों का क्या सम्मान करेगा। कार्यस्थल पर अगर उनके साथ कोई यौन हिंसा होगी, उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि मेडल लौटाना कहीं ना कहीं एक सिम्बॉलिज्म है कि हमारे देश के अंदर यौन हिंसा जैसे सवालों पर ये बेशर्म सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। आज का जो मैसेज है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब ये लड़ाई है कि कौन यौन शोषण के आरोपियों को बचाना चाहता है, वो भाजपा, उसका परिवार, वो जो लोग हैं, और दूसरी तरफ हैं पूरे देश के लोग, मजदूर, किसान, खेत मजदूर, महिलाएं, नौजवान, छात्र, जो पूरे देश के अंदर इकट्ठे होकर आज ये बता रहे हैं कि ये लड़ाई केवल महिला पहलवानों की नहीं है। उनको लगता है कि उनको जंतर मंतर से हटा दिया तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई आज पूरे भारत के अंदर कोने कोने में पहुंची है, जहां पर भारत बोल रहा है कि भारत के अंदर न्यायप्रिय भारत के अंदर किसी भी ब्रजभूषण को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सत्ता के कितने भी बड़े गलियारे के ऊपर बैठा हो। आज ये स्पष्ट संदेश भारत की जनता दे रही है, ये स्पष्ट है। उसको सत्ता का संरक्षण है। भाजपा जिसका इतिहास रहा है बलात्कारी के आरोपियों को बचाने का, वो उस इतिहास को आगे बढ़ा रही है और अभी वो अपने नेता को प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल हम बोलेंगे कि सत्ता के जरिए वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जनता को उतरना पड़ रहा है। अगर पोस्को में गिरफ्तारी हो जाती, एक संकेत मिल जाता कि न्याय आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ती ना। पर वो सत्ता के शीर्ष पे है, वो सत्ता का उपयोग कर रहा है और सरकार उसको बचा रही है। मैसेज ये है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले 28 को जब महिलाओं ने, रेसलर्स ने तय किया था कि हम महिला सम्मान महापंचायत करेंगे, जिस दिन नई संसद का इनॉग्रेशन होगा, तो एक बहुत इनोकुअस सा, बहुत मासूम सा एक प्रपोजल था जो कि किसी भी जनवादी देश में जायज़ है। लेकिन उसको सिर्फ यही नहीं कि वहाँ तक जाने नहीं दिया, जंतर मंतर से बाहर निकलने नहीं दिया ये भी नहीं, बल्कि जंतर मंतर ही पर उनको, देखो, प्रोटेस्टर्स के साथ तो हुआ, मुझे तो 9 बजे अरेस्ट कर लिया, ठीक है, ये तो प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ, लेकिन
रेसलर्स के पहलवानों के साथ जो हुआ बहुत बहुत ज़्यादा जघन्य और बहुत ज़्यादा निंदनीय। घसीटा उन लोगों को, क्या तुक है इसकी, क्या तुक है, क्या एक जनवादी देश में अपनी बात कहने का जनता को हक नहीं है? वो रेसलर्स जो दुनिया में देश के लिए पदक लेकर आए हैं उनको आप इस तरह ट्रीट करें तो हमारे जैसी आम महिला का क्या होगा? तो वो लोग तो अपना फैसला बाद में करेंगे कि उनको किस तरह आंदोलन को जारी रखना है, उन्होंने खुद कह दिया कि आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन जो दमन 28 को हुआ इसके खिलाफ देश की जनता जागी है, चाहे वो किसान हो, संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है, चाहे वो मजदूर हों, ट्रेड यूनियंस के समन्वय ने कॉल दिया है, चाहे वो महिलाएं हों, जॉइंट महिलाओं के संगठनों ने कॉल दिया है कि इस दमन के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है और देश भर में अपना प्रतिवाद व्यक्त करना है, इसीलिए आज हम यहां पर जमा है। ये पूरे की पूरा सरकार की एक शह है, जो उनका नारा है बेटी बचाओ वो बेटी पिटवाओ नारा बन चुका है, और पूरे देश में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे, जहां बीजेपी को धर्म के नाम पर लड़कियों के साथ लव जिहाद की बात कर रही है, केरल स्टोरी की बात कर रही है, लेकिन जब पहलवानों के न्याय की बात आती है तो वो कहीं और दिखाई देती है। उन्नाव की घटना हमारे सामने है, शाहबाद डेयरी की घटना हमारे सामने है, तो कानून व्यवस्था फेल है। देखिए ये मामला सिर्फ वो जो रेसलर्स हैं उनका नहीं है, हम समझते हैं कि ये यौन शोषण सभी महिला का अनफॉर्चुनेटली सब जगह में होता है, और उसको आवाज़ देना ये हो रहा है, वो एक तो प्रतीक हैं वो, और उनके खिलाफ जो सरकार जाती कर रही है उसको आवाज़ देना, उसको चैलेंज करना, ये सिर्फ या लोकलाइज नहीं होना चाहिए, ये सब जगह में होना चाहिए। इसके लिए हमने, और सिर्फ आज नहीं, 9 मई को भी हमने कॉल दिया था, जो एंटी फासिस्ट डे समझा जाता है, और उसके बाद बार बार ये होता रहा, अब आज यहाँ हो रहा है पूरे कंट्री में। आज हम लोग 28 मई को जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर और विशेषकर लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली के अंदर जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, संसद जो संविधान के मूल्यों से चलती है और संविधान जो भारत के लोगों को विरोध का अधिकार देता है, और उस विरोध के अधिकार को वहाँ नई संसद का उद्घाटन हो रहा था और कुछ दूर बाद ही जिस तरह से विरोध के अधिकार को कुचला जा रहा था, पहलवान जिन्होंने, बेटियां जिन्होंने देश को गौरव में गौरव दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक जीत करके, और उनको जिस तरह से ज़बरदस्ती उठा के बसों में भरा गया, उनके सॉलिडेरिटी में आने वाले तमाम साथियों को जिस कदर बसों में भरा गया, डिटेन किया गया, तमाम लीडर्स को, मुझे भी डिटेन किया गया, घरों से डिटेन किया गया, रिश्तों से डिटेन किया गया, ये जो जनवाद के अधिकार पर हमला है, और ये सब किस लिए, क्योंकि मोदी सरकार अभी तक आरोपी यौन उत्पीड़न के आरोपी बाहुबली सांसद ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने में नाकाम है। साफ है कि भाजपा MP ब्रजभूषण शरण को सिंह को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, दैट्स इट, संरक्षण प्राप्त है, वरना कानून जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड्स सबके लिए एक होता है, एक कानून ना होकर उन लोगों को संरक्षण देना और इनके ऊपर दमन करना साफ दिखाता है कि वो अपने सांसद को बचा रहे हैं। हमने बोला है कि हमने 5 दिन का टाइम दिया है, जो SKM ने भी बोला है, ट्रेड यूनियंस ने भी बोला है, 6 तारीख के बाद हम देखेंगे कि इस दिशा की तरफ जाते हैं, और उसके बाद ये आंदोलन तय है कि सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं रहेगा, संसद भवन पे नहीं रहेगा, ये पूरे देश में आएगा और ये अग्रेसिव होगा, उग्र होगा, जिसके लिए जिम्मेवार सरकार होगी।